अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? मैं बनाने लगी हूँ चिकन मसाला, थोड़ा सा पड़ा था तो मैंने सोचा चलो थोड़े से चावल बना लूँ। तो मैंने मसाले सारे डाल दिए हैं, अदरक लहसुन प्याज मसाला हरी मिर्च टमाटर ये मैंने सारे इधर डाल दिए हैं। और ये मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी, ये मैं सब्ज़ी इसमें डालूंगी थोड़ी सी। ये थोड़ा सा भूज जाए ना, बनाई इसकी हो जाए ना, अभी प्याज वाइट वाइट है ना, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी का तरमका लगा कर इसका कलर निकालूंगी, थोड़ा सा निकालूंगी, मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूंगी क्योंकि मैं स्पेशल नहीं बनाने लगी, मैं वैसे ही थोड़े से बनाने लगी हूँ। इसमें डाल दिया मैंने चिकन मसाला, ये मैं डाल दिया चिकन मसाला और ये मैं डालने लगी हूँ सारा, नहीं गर्म मसाला नहीं आता वो ही मैं ठीक सा डाल दिया उसमें। इसकी थोड़ी सी बनाई करूँगी फिर मैं डालूँगी इसमें सब्जी, ये अपना रंग भी छोड़ देगा और मेरा चिकन भी फर्क हो जाएगा। अच्छा, मेरे चिकन मसाले की बनाई हो गई है, ये देखो अब मैं आपके सामने डालूंगी इसमें सब्जी। ये मैंने ना थोड़ी सी डाल दी इसमें सब्जी, अब इनका इसका भी पानी सूख जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आप इसे। देखो मेरे चिकन की बनाई हो गई है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। इसमें पानी मैंने केटल का उबाला था और ये थोड़ा सा और चिकन पक जाए ना इसमें डालूंगी फिर मैं चावल। पानी मेरा अच्छे से पक गया है, अब मैं डालने लगी हूँ इसमें चावल। चावल मैंने डाल दिए और ये इसको आएगा उबाल, फिर मैं जब दम पे रखूंगी आपको फिर दिखाऊंगी।
अब मेरे चावल को उबाला आना शुरू हो गया है। अब थोड़ी देर के बाद दम पर चले जाएंगे, फिर आपको अब मेरे चावलों की लुक देखो कितने लंबे लंबे हो रहे हैं। इनको मैं अब थोड़ी देर के बाद दम पर ले जाऊंगी, फिर इंशाल्लाह बाद में दिखाती हूँ आपको। ये देखो जी, मेरे चावल अब दम पर जा रहे हैं। मैंने ना इतनी मेहनत नहीं की, मैं वैसे ही ना बैठी बैठी, मैं क्या चिकन बाहर निकला है फ्रीज में, फ्रीज से बाहर रखा हुआ है। चलो इसको चिकन को चावलों में डाल करना तो बना लो। अब मैं लगाने लगी हूँ, इसको लेकर जा रही हूँ दम पर। देखो कितनी अच्छी लुक आई है मेरे चावलों की, कितने लंबे लंबे हैं ये देखो। अब मैं ये लगा दिया है दम। ये आ गया है पिज़्ज़ा, आधा खा लिया इन्होंने, थोड़ा बचा है, थोड़ा सा खाया है, ज़्यादा बचा है। ये देखो ये चिकन चिकन और गोश्त का पिज़्ज़ा, ये देखो। मैं फिर भी चावल बना दिए, मैं कह जिसने खाने होए वो चावल खा लेगा। ये देखो ये मैं इसमें दही डालूंगी, ऐसे इसमें दही डाल लेते हैं, फिर आज ना मेरे पास क्यूकम्बर नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सा प्याज वगैरह ही डाला है। इसमें थोड़ा सा तो डालूंगी दूध और मैं बनाकर तैयार करके आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा जी, ये मैंने रख ली है प्लेटें स्पून, और ये मेरा बन गया है दही, जिसको योगर्ट बोलते हैं, और मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती इसलिए सॉरी, मैं अपनी ज़बान में बात करती हूँ तो मैं अपनी ज़बान ही बोलूँगी। और अब मैं आपको अपने दिखाने लगी हूँ चावल। ये देखो चावल मेरे हो गए हैं तैयार, अब मैं आपके सामने दम खोला है। ये देखो थोड़े से बनाए थे, हांडी मेरी भर गई है। ये देखो ये देखो, ये मेरी रेसिपी लाइक करना, शेयर करना। और ये दही है, ये मैं अपने थोड़े से प्लेट में डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये लो जी, अब मेरे चावल हो गए हैं तैयार, मैं थोड़े से डालती हूँ इधर, आपको मैं पूरा पूरा अपना डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखो, अगर आप भी ना लाइक करो ना फिर आपकी मर्जी। ये देखो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाई है, पूरी बनाकर दिखाई है, तो लाइक करना शेयर करना। ये देखो आज मेरे पास ना क्यूकम्बर नहीं थी तो लेट बहुत हो गई हूँ, 9:30 का टाइम हो गया है, इसलिए ये मैंने क्यूकम्बर नहीं डाली,
तो मैं इसी तरह खाऊंगी। और ये हो गए तैयार, ये देख लो। बाकी वीडियो लाइक करना, शेयर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।